नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत अरोड़ा, ऑनर ऑफ प्रिंट फैक्ट्री गुड़गांव। आज मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे अप्रिसिएशन आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे फॉलोअर्स जो है मुझसे सवाल करते हैं कि साहब हमें DTF प्रिंटर चाहिए, कन्वर्टेड DTF प्रिंटर चाहिए, ऑप्शन का कन्वर्टेड DTF प्रिंटर। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और आज फिर से मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन का कन्वर्टेड प्रिंटर आपको मिल सकता है मार्केट के अंदर। मैं नहीं सेल करता हूँ, एप्सन का कन्वर्टेड DTF प्रिंटर आपको L8050A4 साइज में, L1805083 साइज में, ये दोनों नए लेटेस्ट मॉडल हैं, ये मार्केट में मिल सकते हैं, बट मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से कहूंगा, DTF प्रिंटर का ऐसे कोई यूज नहीं होता है। सब्लिमेशन प्रिंटर ज्यादा यूज आता है, उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है। DTF प्रिंटर की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। DTF प्रिंटर में अगर A4 साइज की बात करेंगे तो वो प्रिंटर आपको तकरीबन 40,000 रुपए का मिलेगा, कन्वर्ट करके, थोड़ा सा सामान उसके साथ में, यानी कि पाउडर, इंक और वो सब मिल जाता है। लेकिन इसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, पर प्रिंट आपको कॉस्टली पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो A4 का प्रिंट निकालते हैं DTF कन्वर्टेड प्रिंटर में, वो पूरा A4 नहीं निकलता है। यानी कि अगर कोई टी शर्ट आपसे प्रिंटिंग कराना चाहता है जिसमें वो A4 प्रिंटिंग कराना चाहता है, तो वो A4 में पूरा A4 प्रिंट नहीं निकलता है, नीचे से 2 इंच रह जाता है, प्लस उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप A3 प्रिंटर पे आएंगे तो वो तकरीबन 70,000 रुपए का पड़ेगा। उसमें प्रिंट तो आपको बड़ा निकल जाएगा, लेकिन उसमें मेंटेनेंस दोनों में बहुत ज्यादा है। आपको बार बार हेड क्लीनिंग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी इंक बहुत वेस्ट होगी, व्हाइट इंक, और आपकी जो DTF प्रिंटिंग इंक है ये कॉस्टली होती है। उसके बाद आपको अगर प्रिंट निकाल लिया आपने, तो उसके बाद आपको पाउडर से डिप करना है और फिर उसको हीट देना है, और जब वो रेडी हो जाएगा स्टिकर, फिर आपको टी शर्ट प्रिंट करना है, अगेन आपको ट्रांसफर करना है। तो ये लेंथी प्रोसेस है। आप अगर प्रिंट करने लगेंगे सारा दिन में 10 टी शर्ट नहीं प्रिंट कर पाएंगे। सब्लिमेशन में प्रिंटिंग ऑर्डर्स भी ज्यादा आप कर सकते हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा ले सकते हैं, और इसके अलावा इसमें मेंटेनेंस नहीं होती है, पर प्रिंट आपको कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। यानी कि अगर A4 की बात करते हैं, A4 सब्लिमेशन प्रिंट अगर आप निकालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 10 रुपए पर प्रिंट कॉस्ट करता है। लेकिन सेम वे में अगर हम DTF की बात करते हैं, DTF में मेंटेनेंस, वेस्टेज और सब मिला के अगर हम A4 प्रिंट की बात करें तो तकरीबन हमें ये 100 रुपए का प्रिंट पड़ जाता है। आप सिर्फ इंक और पाउडर और उसकी कॉस्ट लगाएंगे तो 50 रुपए है, लेकिन हर रोज जो बार बार हमें जो है उसका हेड क्लीनिंग करना पड़ता है, उसमें जो वेस्टेज जाती है, हमारी इंक जो वेस्ट होती है, या प्रिंट करते हुए कोई प्रिंट खराब हो जाते हैं उसको भी ऐड करेंगे, तो 100 रुपए हमें एक A4 साइज का प्रिंट पड़ जाता है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों DTF प्रिंटर के लिए। दूसरी बात, आप जब सब्लिमेशन और DTF की बात करेंगे तो 90% बिजनेस आपको जो है सब्लिमेशन टी शर्ट का आता है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग का आता है, DTF का नहीं आता है। सब्लिमेशन में आप मग भी प्रिंट कर सकते हैं, बॉटल प्रिंट कर सकते हैं, सिपर प्रिंट कर सकते हैं, टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें प्रिंट कर सकते हैं। DTF से सिर्फ और सिर्फ आप टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं, और कुछ प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों DTF मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिर भी आपका कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, DTF से रिलेटेड मेरे से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू दोस्तों।